Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome Times Drive. I'm your host Endos Ankur Taneja, and this is the new Land Rover Discovery Sport facelift. Soft touch, premium feel. Yes. कोशिश सफल रही. अपना केस सॉलिड करती हुई दिखाई दे रही है. आज ये गाड़ी हमारे साथ है. क्या आपको इसमें नया मिलता है, कैसी है चलाने में, वही हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में. और साथ ही साथ, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन प्लीज डू सब्सक्राइब एंड हिट दैट बेल आइकन, ताकि सभी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक समय पर पहुंचते रहें. और साथ ही साथ, इस वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा इस नई लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट फेसलिफ्ट के बारे में कौन सी ऐसी तीन चीजें मुझे लगी धांसू और कौन सी ऐसी तीन चीजें मुझे लगी नॉट सो धांसू. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अब सबसे पहले इस नई लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट के एक्सटीरियर लुक की बात कर लेते हैं. तो जो आपको इसमें डिज़ाइन के हिसाब से बहुत ज़्यादा बदलाव एक्सटीरियर में देखने को नहीं मिलेगा. स्पेशली आपको जो नई चीज़ दी गई है वो है यहाँ पे इसका जो हेडलैम्प क्लस्टर है वो कम्प्लीटली नया है. यहाँ पर आपको जो बम्पर का डिज़ाइन देखने को मिलेगा वो आपको पुराने के मुकाबले आपको ये नया देखने को मिलेगा. और यहाँ पर जो ओवरऑल जो ग्रिल का लुक है, जो ओवरऑल स्टांस है इस गाड़ी का, वो पुरानी लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट जैसा ही है. नीचे आपको यहाँ पर फॉग लैंप्स दिए गए हैं, वो भी आपको एलईडी मिलते हैं. एंड फ्रंट में आपको सेंसर्स देखने को मिल जाएंगे. साइड की बात करें तो साइड में आपको यहाँ पर नए अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन देखने को मिलेगा. 18 इंच के टायर्स इसमें दिए गए हैं. एंड यहाँ पर आपको ये आर डायनेमिक की बैजिंग इधर नीचे देखने को यहाँ पर इसमें मिल जाएगी. उसके अलावा साइड में जो डिज़ाइन है वो भी आपको पुरानी लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट जैसा देखने को मिलेगा. जो क्लैडिंग दी गई है इस वेरिएंट में, जो एसी वेरिएंट है, इसमें आपको बॉडी कलर्ड क्लैडिंग मिलती है. लेकिन जो इससे नीचे वाला वेरिएंट है उसमें आपको ब्लैक कलर की क्लैडिंग देखने को मिलेगी थ्रू आउट इस लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट फेसलिफ्ट में. रियर लुक्स की बात करें तो यहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. जो टेल लैंप्स का डिज़ाइन है वो इसमें आपको नया दिया गया है. फिर जो रियर बम्पर का डिज़ाइन है वो आपको थोड़ा बदला हुआ दिखेगा. सेंसर्स यहाँ दिए गए हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा है यहाँ पर. और ये जो वेरिएंट है डिस्कवरी स्पोर्ट वेरिएंट, जो इसमें D180 AC वेरिएंट है, ये आपको डीजल और पेट्रोल दोनों ऑप्शन के साथ मिलता है. दिस इज दी डीजल वेरिएंट. यहाँ पर बड़ी सी डिस्कवरी की बैजिंग, यहाँ पर लैंड रोवर की बैजिंग दी गई है. और एक और जो नई चीज़ दी गई है दैट इज दी कैमरा दैट यू कैन सी. ये शार्क फिन एंटीना में जो कैमरा दिया गया है इसका यूज़ क्या है ये मैं आपको अंदर जाके बताऊँगा. बट ये कुछ बदलाव आपको रियर में देखने को मिलेंगे. तो ओवरऑल कुछ ये बदलाव आपको इसके एक्सटीरियर में, फ्रंट रियर साइड में देखने को मिलेंगे. अब ये अंदर से कितनी बदली है, क्या आपको इसमें मिलता है, लेट्स गो एंड सी दैट. सो इंटीरियर की बात करें तो इस नई लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट फेसलिफ्ट के, तो आपको ये 10 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जो एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स के साथ आता है. इसके अलावा इसमें आपको एम्बिएंट लाइटिंग का फीचर दिया गया है. यहाँ पर आपको पाथ असिस्ट का ऑप्शन भी दिया गया है जो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं. देन वी गो बैक टू होम. इको डेटा का ऑप्शन है जिससे आप अपने स्टैट्स यहाँ पर देख सकते हैं. वेब ब्राउजर, वॉइस कमांड, ये सब ऑप्शन आपको इसके टच स्क्रीन में यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे. देन थोड़ा नीचे आए तो यहाँ पर आपको इसके कंट्रोल्स देखने को मिलेंगे, विच आई रियली लाइक. ये जो पैनल यहाँ पर दिया गया है जहाँ से आप अपने एसी कंट्रोल कर सकते हैं, आपको कौन से ड्राइविंग मोड में जाना है, ऑटो, इको, सैंड, रॉक, स्नो, तो आप यहाँ से वो मोड सिलेक्ट कर सकते हैं. देन यहाँ सेंटर में आपको इसका ये 9-speed का ऑटोमेटिक गियरबॉक्स देखने को मिलेगा. यहाँ पर भी ये काफ़ी प्रीमियम फील आपको देगा, जो ये सिल्वर टच का इस्तेमाल किया गया है. सेंटर में यहाँ पे लैंड रोवर की बैजिंग आपको देखने को मिल जाएगी. यहाँ पर आपको दो कप होल्डर्स की जगह दी गई है आर्मरेस्ट के नीचे. आपको दो USB चार्जिंग पोर्ट, एक सिम कार्ड का स्लॉट दिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक 12 वोल्ट का सॉकेट भी आपको देखने को मिल जाएगा. नाउ लेट्स कम टू द स्टीयरिंग व्हील. यहाँ पर आपको इसमें यहाँ पियानो ब्लैक टच में इसके बटन देखने को मिल जाएंगे, टच के साथ हैं. देन अपार्ट फ्रॉम दीज बटन्स आपको पैडल शिफ्टर्स यहाँ देखने को मिलेंगे. नाउ दिस इज दी एसी ट्रिम, और इस ट्रिम में ये जो टॉप ट्रिम है इसमें आपको ये 12.3 इंच का आपको ये इंस्ट्रूमेंट पैनल देखने को मिलेगा. जो इससे नीचे का ट्रिम है एस ट्रिम, उसमें आपको TFT स्क्रीन दिया गया है, और जो इसके डायल्स हैं वो आपको एनालॉग देखने को मिलेंगे. नाउ द इन्फॉर्मेशन दैट यू कैन सी ओवर हियर, मेन्यू का बटन यहाँ पर दिया गया है, यू विल प्रेस इट. देन डिस्प्ले को आपको कस्टमाइज करने के ऑप्शंस हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट सेटिंग्स का ऑप्शन है, इसमें आप अलग अलग फीचर्स को एक्सेस कर सकते हैं, कन्वीनियंस फीचर्स है. देन अपार्ट फ्रॉम दैट
नॉर्मल जो फीचर्स होते हैं, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ट्रिप मीटर, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, ये सब ऑप्शंस आपको यहाँ पर इसके डिस्प्ले में इंस्ट्रूमेंट पैनल में देखने को मिल जाएंगे। नाउ द टच एंड फील ऑफ द स्टीयरिंग इज वन थिंग दैट आई रियली लाइक, स्पेशली दिस सिल्वर एक्सेंट व्हिच इज बीइंग यूज्ड यहाँ पर इसके स्टीयरिंग व्हील में चारों तरफ यूज करा गया है, वो काफ़ी दिखने में अच्छा लग रहा है। एंड वाइल होल्डिंग इट ये भी आपको काफ़ी प्रीमियम फील ज़रूर देता है। अपार्ट फ्रॉम दैट राइट साइड में आएंगे तो यहाँ पर आपको जो डोर्स में जो फील है वो भी आपको थोड़ा प्रीमियम मिलेगा। एंड सेम इज़ विद दी डैशबोर्ड, आपको ओवरऑल जो मटेरियल दिया गया है वो सॉफ्ट टच के साथ है यहाँ पर भी। अपार्ट फ्रॉम दैट ये वुडन टच भी बीच में यहाँ पर दिया गया है एंड डोर्स में भी साइड में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल सॉफ्ट टच प्रीमियम फील येस आपको इसके कैबिन में बैठते ही देखने को मिलेगी। एंड सेम इज़ विद द सीट्स, लेदर सीट्स हैं, सेम रेड स्टिचिंग आपको यहाँ पर देखने को इनकी सीट्स में भी मिल जाएगी। देन आई शोड यू वन थिंग, जो पीछे शार्क फिन एंटीना में सिर्फ कैमरा दिया गया है उसका यूज़ आपको यहाँ से होगा। आप इसको प्रेस करेंगे यहाँ पे, आपको उस कैमरा का व्यू यहाँ पे दिख जाएगा एंड दिस इज़ वेरी क्लियर। आपको HD क्वालिटी में आपको इसका व्यू देखने को मिलेगा और ये मुझे लगता है काफ़ी कन्वीनियंट फीचर ये एक आपको इस लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट में देखने को मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यू विल सी सीट्स अभी फिलहाल बैठने में कंफर्टेबल लग रही हैं मुझे। ड्राइव के दौरान कैसी हैं दैट आई विल टेल यू वंस आई स्टार्ट ड्राइविंग द व्हीकल। देन देयर इज दिस पैनोरामिक सनरूफ व्हिच इज फिक्स्ड, बट एक अच्छा व्यू यहाँ से ज़्यादा अच्छा व्यू नहीं मिलेगा, बट फ्रॉम दी मिडल सीट्स आपको ज़्यादा अच्छा व्यू इसकी पैनोरामिक सनरूफ का देखने को ज़रूर मिलेगा। सीट्स जो इसकी दी गई हैं वो आपको 12 वे एडजस्टेबल हैं एंड इसमें आपको मेमोरी सेटिंग्स का भी ऑप्शन दिया गया है। नाउ लेट्स गो टू दी मिडल रो और देखते हैं वहाँ आपको कंफर्ट और क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं इसकी मिडल रो में। अब इस नई लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट फेसलिफ्ट की बीच की कतार में मैं बैठा हूँ और यहाँ पर कंफर्ट के हिसाब से यस कंफर्टेबल अभी फिलहाल बैठने में रख रही है। थोड़ी अपराइट मुझे ये सीट्स लग रही हैं, हालांकि आप इसको पीछे थोड़ा कर सकते हैं यहाँ पर। देन सीटिंग के अलावा आपको यहाँ पर सेंटर में ये आर्मरेस्ट दिया गया है। एक चीज़ की आपको कमी पिछली कतार में जो मिडल रो है इसमें बिल्कुल नहीं होने वाली है, दैट इज़ USB चार्जिंग पोर्ट्स, वो भर भर के यहाँ दिए गए हैं। एक USB चार्जिंग पोर्ट ये है, एक USB चार्जिंग पोर्ट यहाँ पर भी दिया गया है 5 वोल्ट का। देन देर आर 2 USB चार्जिंग पोर्ट्स यहाँ पर सेंटर में और एक 12 वोल्ट का सॉकेट आपको इधर दिया गया है। रियर पैसेंजर के लिए AC वेंट्स यहाँ दिए गए हैं एंड यू कैन एडजस्ट दी टेम्परेचर यहाँ पर, उसके बटन्स भी आपको देखने को मिलेंगे। फिर जो इसकी ये पैनोरामिक सनरूफ है इसका बेहतर नज़ारा आपको इसी कतार में बैठने के बाद मिलेगा। मेरिडियन का साउंड सिस्टम आपको इसमें दिया गया है, 11 स्पीकर का साउंड सिस्टम इस डिस्कवरी स्पोर्ट फेसलिफ्ट में देखने को मिलेगा। तो ये तो बात हो गई इस मिडल रो की, अब चलते हैं पिछली थर्ड रो में, वहाँ देखते हैं स्पेस प्रैक्टिकल है या नहीं है। अब थर्ड रो के एक्सेस के लिए आपको मामला थोड़ा तंग ज़रूर महसूस होगा। यहाँ से आप इसको पुल करेंगे, सीट को आगे करेंगे, देन कोशिश सफल रही। अभी फ़िलहाल मैंने ये सीट आगे रखी हुई आप देख सकते हैं, लेकिन अगर उस सीट को मैं पीछे करूँगा तो यहाँ पर आप बिल्कुल नहीं बैठ पाएंगे। आई थिंक यहाँ पर कोई अगर बच्चा ही बैठा है तो उसको भी यहाँ बैठने में दिक्कत होने वाली है। तो ये कुछ मामला और स्पेस का नज़ारा है इस थर्ड रो का इस लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट फेसलिफ्ट में। यहाँ पर मुझे तो लगता नहीं कि कंफर्टेबली कोई बैठ पाएगा। अब रह गया है स्पेस के हिसाब से इसका बूट स्पेस, कितना इसमें बूट स्पेस आपको मिलता है, लेट्स गो एंड सी दैट। अब जो बूट स्पेस फिलहाल अभी थर्ड रो के ऊपर होने के बाद है दैट इज़ 157 लीटर्स, जो मुझे लगता है किसी काम का नहीं है। बहुत ही मिनिमम सामान, थोड़ा बहुत छुटपुट सामान यहाँ रखा जाएगा, बट अगर आप इसकी थर्ड रो को डाउन करते हैं तो आपको बूट स्पेस मिलता है अराउंड 1000 लीटर्स का। अगर सेकेंड रो भी डाउन है तो स्पेस हो जाता है अराउंड 1600 लीटर्स का। बात कर लेते हैं अब इस 2020 डिस्कवरी स्पोर्ट के ड्राइव एक्सपीरियंस की। तो 2 लीटर टर्बोचार्ज डीजल इंजन आपको इसमें दिया गया है जो 180 हॉर्स पावर जनरेट करता है और 430 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क आपको इसमें देखने को मिलेगा। शुरुआत से ही आपको अच्छा कंफर्टेबल इसमें ड्राइव एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। जैसे ही आप इसको डी मोड में डालते हैं जो कि ड्राइव मोड है, वहां पर जो इस व्हीकल का वेट है 2 टन, उसके मुकाबले जो इंजन से आउटपुट जो आपको इसमें मिलती है वहां पर आपको पावर की कमी इस गाड़ी में महसूस बिल्कुल भी नहीं होगी, इसका 2 टन वेट होने के बावजूद भी।
फिर जो इसमें गियरबॉक्स दिया गया है वो है 9-speed का ऑटोमेटिक गियरबॉक्स। यहाँ पर मुझे लगता है थोड़ा बहुत झिझक, अगर आप इस गाड़ी को तेज चला रहे हैं स्पोर्ट मोड में स्पेशली, वहाँ पर थोड़ा बहुत इसका गियरबॉक्स आपको झिझकता हुआ दिखाई देगा, हेजिटेट वहाँ पर थोड़ा बहुत करेगा जल्दी शिफ्ट अपशिफ्ट करने में। फिर उसके बाद जब आप इसको थोड़ा तेज तर्रार हाईवेज पर ले जाते हैं, वहाँ पर इसका जो एक्सपीरियंस है वो बेहतर से बहुत बेहतर हो जाता है। जैसे आप ट्रिपल डिजिट मार्क टच करते हैं, वहाँ पर इसका जो ड्राइव एक्सपीरियंस है वो आपको काफ़ी कंफर्टेबल, कंपोज्ड और काफ़ी लीनियर देखने को मिलेगा, और वहाँ पर आपको लगेगा कि वाकई में ये गाड़ी एक बेहतर परफॉर्मेंस के साथ आपको देखने को मिल रही है। फिर जो सस्पेंशन सेटअप इसमें दिया गया है वो भी काफ़ी बखूबी, काफ़ी प्रिसाइजली अपना काम करता है, चाहे वो सिटी में गड्ढे आपको देखने को मिलें, स्पीड ब्रेकर्स हों, काफ़ी ईजिली उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो सस्पेंशन सेटअप भी काफ़ी अच्छा आपको इसमें देखने को मिलेगा। फिर बात करें स्टीयरिंग व्हील की, तो वहाँ पर भी आपको बैलेंस्ड ड्राइव इसमें देखने को मिलेगी, ओवरऑल रिफाइंड एक्सपीरियंस आपको इसमें देखने को मिलेगा। अगर बॉडी रोल की बात करें तो वो आपको थोड़ा ज़रूर महसूस होगा अगर आप शार्पली इसको टर्न कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो इसके टायर्स का ग्रिप है दैट इज़ फिनोमिनल एंड दैट इज़ वाई इट इज़ डिस्कवरी स्पोर्ट। फिर इसके अलावा इसमें जो आपको टेरेंस रिस्पॉन्स सिस्टम दिया गया है, तो वहाँ पर जो इसका सैंड मोड है, मड मोड है, वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छा कंट्रोल और ग्रिप इस गाड़ी में देखने को मिलेगा। हालांकि ये डिस्कवरी स्पोर्ट एक हार्डकोर ऑफरोडर नहीं है डिफेंडर की तरह, लेकिन अगर आप इस गाड़ी को कभी कभार छोटे मोटे ऑफरोडिंग ट्रैक पर ले जाना चाहते हैं तो वहाँ पर ये डिस्कवरी स्पोर्ट आपको निराश नहीं करेगी। अब इसकी जो कीमत रखी गई है वो शुरुआत हो रही है अराउंड 61 लाख एक्स शोरूम से, और टॉप एंड कीमत जाती है 64.5 लाख एक्स शोरूम तक। और इस कैटेगरी में जो गाड़ियां हमें देखने को मिलती हैं, जैसे कि मर्सिडीज बेंज जीएलसी, वॉल्वो XC60 और ऑडी Q5 जैसी गाड़ियां इस सेगमेंट में हमें देखने को मिलती हैं, तो वहां पर इस प्राइस पॉइंट और इस परफॉर्मेंस लेवल्स के साथ मैं कहूँगा कि ये डिस्कवरी स्पोर्ट अपना केस ज़रूर सॉलिड करती हुई दिखाई दे रही है। अब बारी है तीन धासु और तीन नॉट सो धासु एलिमेंट्स की। तो पहली धासु चीज जो मुझे लगी इस डिस्कवरी स्पोर्ट के बारे में, ये जो कैमरा आपको इसके शार्क फिन एंटीना में देखने मिलता है, दिस इज रियली फंक्शनल, इसकी क्वालिटी भी आपको बहुत अच्छी देखने को अंदर मिलेगी। अब दूसरा धासु एलिमेंट है इसका द ओवरऑल लेआउट ऑफ डैशबोर्ड इन दिस लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट फेसलिफ्ट व्हिच लुक्स प्रीमियम एंड नीट। एंड द थर्ड धासु एलिमेंट इज द सस्पेंशन सेटअप इन दिस लैंड रोवर डिस्कवरी स्पोर्ट फेसलिफ्ट, यह आपको काफी कंफर्टेबल ड्राइविंग एक्सपीरियंस देता है। अब पहला नॉट सो धासु एलिमेंट अबाउट दिस कार इज द थर्ड रो, जो मुझे कंफर्ट के हिसाब से बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं लग रही है। द सेकेंड नॉट सो धासु एलिमेंट अबाउट दिस कार इज द पावर आउटपुट, जो इस कॉम्पिटिशन के मुकाबले आपको थोड़ा कम देखने को मिलेगा। नाउ द थर्ड एंड फाइनल नॉट सो धासु एलिमेंट अबाउट दिस कार, हालांकि आपको प्रीमियम क्वालिटी इसके डैशबोर्ड डोर्स में देखने को मिल जाएगी सॉफ्ट टच के साथ, लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा चीप प्लास्टिक वाला फील जरूर आ जाएगा, विच इज नॉट सो धासु।